हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डी आरटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के मौसम पूर्वानुमान की कि आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन जिलों में होने वाली है बारिश की दुनिया। साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के किन किन जिलों में हो सकती है भारी बारिश की दुनिया। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं संपूर्ण भारत पर बने मौसमी सिस्टमों की। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया की बात करें तो वर्तमान में पश्चिमी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है और इसी के प्रभाव से आने वाले एक सप्ताह तक देखा जाए तो संपूर्ण भारत का मौसम प्रभावित होने वाला है। वर्तमान में इसी के प्रभाव से देखा जाए तो बिहार से लगाकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, राजस्थान के पूर्वी इलाकों से लगाकर, गुजरात के कई दक्षिण से लगाकर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के संपूर्ण इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में प्रभावित होने वाला है और कहीं की भारी तो कहीं की अति भारी बारिश की गतियां छत्तीसगढ़ के कई इलाकों से लगाकर झारखंड, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में देखने को मिल सकती हैं। एक अन्य सर्कुलर लिस्ट की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान के उत्तरी भागों के आसपास बना हुआ है और इसी के प्रभाव से देखा जाए तो आज राजस्थान के उत्तरी इलाकों में और पूर्वी इलाकों में कहीं की मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में खंड बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। मानसून ट्रफ की बात करें तो वर्तमान में मानसून ट्रफ दक्षिणी गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों से लगाकर शुरू के आसपास के इलाकों से लगाकर जयपुर तक देखा जाए तो वर्तमान राजस्थान के इलाकों और बनी है। उसके बाद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगाकर विशी वेलमार्क लोपर से एरिया से बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक बनी है, जिसके प्रभाव से लगातार उत्तर पूर्वी दिशा से उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों में बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं की बात करें तो वर्तमान में मध्य भारत तक काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रही हैं और अरबसागरी शाखा से आने वाली नम हवाएं लगातार मध्य भारत की ओर बढ़ रही हैं, जिसके प्रभाव से मध्य भारत के कई इलाकों में आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर आपको भारी बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के अंदर आपको मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। वर्तमान में एंटी साइक्लोन की बात करें तो वर्तमान में आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए एंटी साइक्लोनिक निष्प्रभावी हो गया है और अगले बनने की बात करें तो आने वाले 25 से 26 सितंबर के आसपास फिर से एंटी साइक्लोन विकसित हो सकता है, जिसके प्रभाव से एक बार फिर से मानसून आगे बढ़ने की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी भागों की बात करें, विशेषतः देखा जाए बीकानेर, जोधपुर से लगाकर बाड़मेर, जैसलमेर, पाली व जालौर के कुछ इलाकों से मानसून वापसी की घोषणा मौसम विभाग भारत सरकार द्वारा कर दी गई है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मानसून वापस जा चुका है। परंतु मानसून वापसी के बाद भी कई इलाकों में बारिश की गतियां देखने को मिलेगी और कहीं की मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में खंड बारिश की गतियां देखने को मिलेगी। आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो WRF मॉडल के अनुसार किस प्रकार की बारिश की गतियां रहने वाली हैं। विशेषतः देखा जाए तो राजस्थान के पूर्वी इलाकों में मध्यम से तेज तो दक्षिणी इलाकों तक खंड बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों में, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लगाकर उड़ीसा के कई इलाकों में भारी बारिश की गतियां संभावित हैं। हो सकता है एक दो इलाकों में तेज या मूसलाधार बारिश की गतियां इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं। GFS मॉडल के अनुसार देखा जाए तो संपूर्ण भारत में किस प्रकार की बारिश की गतियां रहने वाली हैं। विशेषतः देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों से लगाकर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों की बात करें इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतियां आने वाले 24 घंटों के अंदर देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान के पूर्वी से लगाकर दक्षिणी इलाकों तक मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में खंड बारिश की गतियां संभावित हैं। भारत मौसम विभाग, भारत सरकार, भारत द्वारा दी गई मौसम विभाग मौसम वापसी की अनुमान की बात करें तो वर्तमान में मानसून बीकानेर के खाजवाला से होते हुए जोधपुर से, नागौर के कई इलाकों से लगाकर, जालौर, पाली के कई क्षेत्रों से लगाकर, बाड़मेर, जैसलमेर से होते हुए गुजरात के नलिया तक मानसून वापसी की घोषणा हो चुकी है, जिसके कारण देखा जाए तो इन क्षेत्रों में एंटी साइक्लोन का बनना और पिछले 5 दिनों से कोई बारिश की गतियां न होना और लगातार नमी में गिरावट के कारण इन क्षेत्रों में मानसून वापसी की घोषणा हो चुकी है। वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत में किस प्रकार की सैटेलाइट इमेज बनी है। सैटेलाइट इमेज की बात करें तो वर्तमान में मध्य भारत के आसपास बने काफ़ी घने बादलों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार इन क्षेत्रों पर बन रहा शुभनरे सिस्टम और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवा के कारण इन क्षेत्रों में काफ़ी वर्तमान में काफ़ी घने बादल देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी भारी बारिश की गतियां कई इलाकों में देखने को मिल रही हैं। राजस्थान के पूर्वी इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी वर्तमान में बादल बने हुए हैं और बारिश की गतियों की बात करें तो धीरे धीरे मध्य राजस्थान के कई इलाकों तक बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं।
आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान में किन किन इलाकों में वर्षा की गतियां हो सकती हैं। विशेषतः देखा जाए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सिलागा, टोंक, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, घुसरी, गंगानगर, हनुमानगढ़ के कई इलाकों में मध्यम तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा की गतियां देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है एक दो इलाकों में तेज या भारी वर्षा की गतियां जयपुर, सिलागा, भरतपुर संभाग के कई इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। उदयपुर संभाग के कई इलाकों में भी आज वर्षा की गतियों में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कहीं की खंड तो कहीं की तेज वर्षा की गतियां डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिलागा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा के कई इलाकों में, अजमेर, नागौर, पाली के कई इलाकों में भी आज आपको खंड वर्षा की गतियां देखने को मिल सकती हैं। बीकानेर, जैसलमेर के कई इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। बाड़मेर, जालौर के आसपास के इलाकों में एक दो इलाकों में खंड वर्षा की गतियां आज देखने को मिल सकती हैं, परंतु कोई विशेष वर्षा की गतियां आज इन क्षेत्रों में संभावित नहीं है। आने वाले 24 घंटों के बाद से बात करें तो जोधपुर से लेकर पाली, जालौर के कई इलाकों में आपको वर्षा की गतियों का बढ़ता हुआ दौर देखने को मिल सकता है और कहीं कहीं खंड तो कहीं कहीं तेज वर्षा की गतियां इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं। खंड वर्षा की गतियों की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिलेगी और तेज या मूसलाधार वर्षा की गतियों की बात करें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में और दक्षिण कई इलाकों में भी मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा की गतियां जयपुर, भरतपुर संभाग के आसपास के इलाकों में संभावित हैं। तो दोस्तों मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।